पानीपत डायरेक्ट किया इसे, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, आशुतोष गवारीकर, पानीपत डायरेक्ट किया इसे आशुतोष गवारीकर ने, और जो इसके अंदर कास्ट है अर्जुन कपूर, संजय दत्त, कृति सैनन, मंत्रा, मोनिश बैल और अन्य कलाकार। अब जो इसकी कहानी है, जो हम क्लास में पढ़ते आए थे, वो सेम टू सेम वैसे ही, मतलब कि सबको पता है कि इसमें जीतता कौन है, हारता कौन है, ये सबको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि इस कहानी में आपको रीजन बताया जाए, इस मूवी में रीजन बताया गया कि हाँ क्या रीजन थे कि मराठाओं की हार हुई, वो क्या कारण थे, जो एक एक करके उनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन था कि भी किसी भी राजा ने जब सदाशिव भाऊ जब निकले थे पुणे से, तब वहां से किसी ने भी राजा ने जो उत्तर दिशा में आए थे, किसी राजा ने उनका साथ नहीं दिया, किसी हिंदू राजा ने उनका साथ नहीं दिया, तो मेन रीजन ये था। और जो एक ही जो राजा थे, जाट राजा जो सूरजमल थे, उन्होंने ही उनका साथ दिया था। दूसरा रीजन इसमें था कि भी जो मराठा जो थे, उनके खाने पीने के लिए उनका प्रॉपर उनका इंतजाम नहीं हो पाया था, मतलब कि जो लास्ट में इस मूवी में दिखाया गया कि उनके पास सिर्फ गुड़ ही बचा था, गुड़ का पानी पीकर जब वो युद्ध में जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आप देखोगे, एक्चुअल में जब आप चीजें पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, तो आपको जानने को मिलेगा कि वो उनके पास वो भी नहीं था। क्या उन्होंने घास फूस वो खा के उन्होंने अपने दिन गुजारे थे। और एक ये चीज अगर आप समझो ना कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, और वो तब उस वक्त वो युद्ध पे जा रहे हैं, तो सदाशिव भाऊ जो उनका जो उनको लीड कर रहे थे, उन्होंने तब क्या ऐसा बोला बोला उनको, कैसे उनको उत्साहित किया, तो वो चीज मैंने उस वक्त जब मैं मूवी देख रहा था वो चीज फील की कि भाई यार ऐसा क्या बोला होगा यार, जब उन्होंने कि इतनी बड़ी जो सेना है उनको पूरा मोटिवेट किया लड़ने के लिए, और जो पूरे जो सैनिक थे वो उत्साहित रहे लड़ते वक्त। तीसरा रीजन इसके अंदर था जो एक राजा था जिसने आश्वासन दिया था आखिरी वक्त की भी मैं आपका साथ दूंगा, और 5,000 सैनिक जो अपने साथ लेके आया था, लेकिन एन मोमेंट पे जब युद्ध चल रहा होता है, युद्ध के मैदान में वो अपनी सेना को पीछे हटा लेता है। तो एक रीजन ये भी था कि भी इतना बड़ा जो धोखा उन्होंने दे दिया युद्ध के बीच में, कि भी मराठाओं को जब वो लड़ रहे हैं अपनी सेना को, तभी के तभी वो पीछे हटा रहे हैं। ये बहुत सारे जो रीजन थे इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाए गए थे। लेकिन एक चीज जो मुझे पर्सनली लगी कि देखो जो खाने पीने का जो रीजन था जो उन्होंने दिखाया कि सिर्फ गुड़ बचा था, उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था। एक्चुअल में जो रीजन था कि उनके पास जो खाने को कुछ ही नहीं था, गुड़ तो इन्होंने दिखाया, वो गुड़ भी नहीं बचा हुआ था उनके पास, जो वो चीज उन्हें और दिखानी चाहिए थी। और पर्सनली जो मुझे इस मूवी में एक बहुत अच्छी जो चीज लगी कि इतनी बड़ी सेना, मैंने जितनी भी ये जो पुरानी हिस्टोरिकल मूवी देखी है उसमें कहीं ऐसा दिखाया नहीं गया, इस मूवी में ऐसा दिखाया गया कि इतनी बड़ी सेना जब चलती है तो उसके जो प्रबंध होते हैं खाने पीने के, रहने के, वो कैसे किए जाते हैं इंतजाम, इस मूवी में वो दिखाए गए हैं कि हाँ खाने को लेके बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करते हैं, अपने हथियारों को वो कैसे इधर उधर तक ले जाते हैं, या फिर उनको वो एडजस्ट करते हैं जब युद्ध हो रहा होता है, तो तब ये चीजें बहुत अच्छे से इस मूवी में दिखाई, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई इस मूवी में। और जो लास्ट में जो इस मूवी में जो इमोशनल जो सीन था वो काफी, हाँ मुझे लगा कि इसको और थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था। ये नहीं कि उसने इमोशनल नहीं किया, हाँ उसने इमोशनल किया, लेकिन उसको थोड़ा वक्त और टाइम दिया जाता। और जो एक जो सीन जो था लास्ट में जब वो युद्ध के लिए जा रहे होते हैं, इधर से सदाशिव भाऊ और वहां से अहमद शाह अब्दाली, ये जो जो लास्ट का जो सीन, ये युद्ध का जो सीन था, ये काफी अच्छा था मुझे लगा। और जो एक होता है ना कि हाँ अब जब युद्ध होने वाला है, अब ये इनके सेनाओं के ऊपर क्या बीत रही है, कि भी जो वो महिलाएं पीछे खड़ी हैं वो क्या सोच रही हैं कि ये जब युद्ध लड़ रहे हैं सैनिक, इनका अब वो घर आएंगे नहीं आएंगे, जो ये जो टेंशन जो उन्होंने दिखाई ना उनके चेहरे पर, वो काफी पसंद आई मुझे इसको लेके। ये तो हुई इसकी मूवी की पॉजिटिव बातें। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मूवी काफी लेंथी है, जो फिलहाल इसको छोटा किया जा सकता था, 2 घंटे से भी ज़्यादा की मूवी है, इसको काफ़ी हद लाकर 2 घंटे में भी, या उससे कम वक्त में भी इसको ख़त्म किया जा सकता था। और जो एक इन्होंने मूवी में एक दूसरा एंगल दिखाने की कोशिश की, प्यार मोहब्बत का, प्रेम संबंध का, सदाशिव भाव और पार्वती जी के बीच में, तो मुझे लगता है कि यार वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा पाए। आप जो फोकस जो करना चाह रहे थे, या तो युद्ध के ऊपर फोकस करो या फिर उस प्रेम संबंध के ऊपर, तो वो कहीं पर भी प्रेम संबंध के ऊपर उन्होंने कहीं अच्छे से फोकस नहीं किया, वो हम उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाए कि हाँ इतना स्ट्रॉन्ग उनके बीच में जो संबंध था। अब जो मेन चीज है एक्टिंग, देखो यार जो एक मूवी है, हिस्टोरिकल जो मूवी होती हैं, जो जिन्होंने ये
उस वक्त तो बहादुरी के कारनामे किए होते हैं, बहुत सारे जो सैनिक जिन्होंने अपने शौर्य के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पे जो युद्ध जीते हुए होते हैं, अब उस चीज को कोई एक्टर निभा रहा है तो उसको कितने सच्चे दिल से उसको निभाता है, उसके अंदर वो कितना वो जज्बा होता है उस चीज को लेके। तो एक्टिंग के मामले में अर्जुन कपूर बहुत ज्यादा वो डल लगे यार, वो कहीं से भी योद्धा लगते ही नहीं है कि हाँ वो युद्ध के लिए जा रहे हैं। उन्हें जो आंखों में जो तेज होता है, चेहरे पे जो तेज होता है, एक आवाज में जो दम देखने को मिलता है, या फिर शरीर में जो फुर्ती देखने को मिलती है, वो कहीं पर भी अर्जुन कपूर में देखने को नहीं मिलती। वो जब चिल्लाते हैं तो कुछ भी नहीं यार, ऐसे इमोशनली कहीं पर भी कुछ नहीं लगता कि उन्होंने सचमुच में वो चिल्लाया है, वो दहाड़े हैं उस चीज को लेकर, नहीं। लेकिन अगर आप अपोजिट बात करो, अहमद शाह अब्दाली की बात करो जिसको निभाया है संजय दत्त ने, वो काफी ड्रामना जो लगा है कि शैतानी जिसके अंदर वाकई में क्रूरता भरी हुई है वो पूरा देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ नजीबुद्दौला जिसको निभाया है मंत्रा ने, वो यार वास्तव में इतना जबरदस्त उन्होंने वो प्ले किया है उस किरदार को, भले वो नेगेटिव है लेकिन यार एक्टिंग की बात कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने लेवल पे जो करके दिखाया वो काफी हद तक था, काफी बहुत अच्छा। तभी तो मैंने मंत्रा जो कॉमेडियन जो है, उन्होंने जो कॉमेडी करते आ रहे हैं या फिर वो एंकरिंग करते आ रहे हैं, इस मूवी में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे डाला। लेकिन एज कम्पेयर जो मेन लीड जो सदाशिव भाव का जो रोल निभा रहे हो अर्जुन कपूर, वो कहीं पर भी उनको फिट नहीं होता। भाई आप एक जो हिस्टोरिकल मूवी है, सबको पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ, लेकिन जो मेन चीज होती है कि आप उसकी डिग्निटी को कितना मेंटेन कर पाते हो, कि उसका जो शौर्य, उसकी हिम्मत, उसने जो बहादुरी वहां पे दिखाई, वो चीज को आप कैसे मेंटेन कर पाते हो, वो अर्जुन कपूर कहीं पर भी उसमें फिट नहीं बैठते हैं। बाकी सबने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मैं नहीं कहता कि वो सबने बहुत अच्छी की है, लेकिन अर्जुन कपूर को वास्तव में बहुत जरूरत है काम करने की, हाँ कि भी कैसे एक जो योद्धा का आप किरदार निभा रहे हो। और जो बात आती है ऐसे नेता, ऐसे मराठाओं की जो इन्होंने अपनी धरती के लिए अपने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, तो उसको तो बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए था अपनी एक्टिंग को लेके, अपने अपने एक्सप्रेशन को लेके, वहां दिखाना चाहिए था कि वो कितना प्रेरित है, कितना जुनूनी है अपने धरती को लेके, तो वो कहीं पर भी उनमें वो देखने को नहीं मिला। जो चीज मुझे इसमें लगी कि मूवी बहुत ज्यादा स्लो थी, उसको फास्ट किया जा सकता था, काफी सारी जो चीजें जो धक्के से धकेली गई वो कोई जरूरत नहीं थी कि उनको धकेला जाए, उनको हटा भी सकते थे, लेकिन फिर भी वो डाली गई। बावजूद इसके भी ये मूवी मैं रिकमेंडेड करूंगा कि हर किसी को देखनी चाहिए, जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है या फिर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने जिनको नहीं पता कि पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था, सिर्फ वो इतना ही जानते हैं कि पानीपत के मूवी में मराठाओं की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की जो जीत हुई थी, लेकिन इससे काफी ज्यादा हटके जो है वो चीजें उनको पता चलेंगी कि रीजन क्या थे। किसी ने भी हिंदुस्तान के जो हिंदू जो राजा थे, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया मराठाओं का। दूसरी तरफ सुजाउद्दौला जिनके पिता की मदद की थी मराठाओं ने, वो भी कैसे पलट जाता है, कैसे धोखा दे देता है मराठाओं को, वो चीज भी जानने को मिलेगी। और लास्ट में सच में जो मैंने पर्सनली एक मैं उस चीज पे बड़ा भावुक हुआ कि कैसे वो लोग मराठा जो योद्धा थे, वो उनके ऊपर तब लास्ट में उन्होंने क्या फील किया होगा कि भी अब वो वक्त नहीं है, अब उनको पता चल गया कि अब वो युद्ध नहीं जीत सकते, तब भी वो उस जमीन पे खड़े हैं, उन्होंने वो पीठ नहीं दिखाई किसी को भी, वो पूरे यार कितनी हिम्मत, कितनी बहादुरी यार, जो मैंने वो फील किया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो इतनी सेना के बीच में वो खड़े हैं, 1,00,000 सेना के विरोध में वो कुछ 50,000 जो सैनिक वो जो लेके गए हैं, जो भूखे प्यासे हैं, उनको पता है कि उनको भूख लगी है, फिर भी वो खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए। यार वो जो चीज यार वो फील करना ही, मतलब आप देखोगे, ये नहीं है कि आप सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए वो मूवी देखो, आप इस चीज को फील करो कि हाँ क्या हुआ, क्या उनके ऊपर मानसिक तौर पे वो चीज बीती, बहुत बड़ी। और आज की जब आप जनरेशन की बात करो, वो थोड़े बहुत एग्जाम में कम नंबर आ जाते हैं, वो कैसे वो सुसाइड ही कर डालते हैं, और या फिर कोई थोड़ा बहुत डिप्रेशन होता है तो वो कैसे अपनी जीवन को खत्म कर देते हैं, लेकिन आप उस चीज को वो योद्धा के आप देखो तो वो कितना उनका मानसिक रूप से आप देखो वो कितने स्ट्रोंग थे, उनको पता था कि भी हाँ कि हाँ सामने इतनी बड़ी सेना है, फिर भी उन्होंने कैसे उनका सामना किया, बड़ी शूरवीरता से पीठ नहीं दिखाई, जबकि अब्दाली की सेना तो पीठ दिखा के भाग गई थी इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी। तो
यार जो अपने ये युवा हैं जो टिकटॉक पे भटक गए हैं, वो उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए कि हाँ वो अपने जो योद्धा हैं उनसे बहुत कुछ वो सीखें। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि हर एक को ये मूवी देखनी चाहिए, एंटरटेनिंग के तौर पे नहीं, बहुत कुछ सीखने के, हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, क्या रीजन थे उनकी चीजों के, वो चीज उनको देखनी चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए। तो बेशक अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो। बहुत सारी जो मूवी ऐसी होती हैं जिनको नहीं इतने कमाने चाहिए वो कमा जाती हैं, लेकिन हमारी जो हिस्टोरिकल मूवी है जिसमें रीजन, वास्तव में इसमें रीजन जो दिखाए गए बहुत अच्छे दिखाए गए, वो आपको जरूर देखनी चाहिए यार। इसको भी आप लोगों को उस दर्जे पे पहुंचाना चाहिए जो ऐसी मूवी पहुंच चुकी है। मुझे नहीं लगा कि उनको वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो जब पहुंच गई तो इस मूवी में ऐसी कोई कमी नहीं है, ये मूवी उनसे काफी लाख गुना बेटर मुझे लगी। तो प्लीज जाके मूवी देखो, रिकमेंडेड करता हूँ इस मूवी को। वैसे इतने का ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी जिन तक आवाज पहुंच रही है वो जाकर देखो इस मूवी को। और मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10 star। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।